एक गुरु था, 50 वर्षों तक अपने शिष्यों को पढ़ाता रहा, आत्मा की धर्म की शिक्षा देता रहा, लेकिन वो कभी एक लाइन नहीं लिखता था, कभी कुछ नहीं लिखा उसने। तो उसके जो चेले थे, उसके जो अनुयायी थे, अथवा जो उसको मानने वाले समाज, जो भी लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि बाप की उम्र हो रही है, आप जा रहे हो, ख्याल में आए कि नहीं आए, कम से कम कुछ लिख दो, ठीक है कि नहीं, क्या कर दो, लिख दो, एकाध ग्रंथ बना दो, एक शास्त्र बना दो, बहुत भला हो जाएगा समाज का, दुनिया का। उसने एक शास्त्र लिखा, क्या लिखा, एक शास्त्र लिखा, शास्त्र लिखा, और वो शास्त्र लिखकर, बीमार तो था ही, लिखा, अपना जो उसका मुख्य शिष्य था उसको वो शास्त्र भेंट किया, ये शास्त्र मैंने लिख दिया है, इसमें वो बातें लिख दी हैं, ख्याल में है ना, और ये शास्त्र ले, तो सारे लोग बड़े बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अरे साहब बहुत बहुत कृपा आपकी। और उस शिष्य ने, अंगीठी जल रही थी, ठंडों का टाइम था, उठा के शास्त्र से फेंक दिया, क्या अंगीठी जल रही थी और उसमें फेंक दिया, सबरे लोग तो एकदम, ये क्या किया तुमने, पागल हो गया, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या, लेकिन वो जो गुरु था ना, उसने ताली बजाई, वो मुस्कुराया, आनंदित हुआ, बोले चलो मैंने हजारों में से एक को तो बनाया, इसको ये समझ में आएगा शास्त्र में कुछ नहीं है। बोले महात्मा जी, बोले उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, एक भी शब्द नहीं था, क्योंकि अगर मैं वो शास्त्र बना देता तो तुम उसी की पूजा करने लग जाते और उसी में आत्मा खोजते और उसी में से पढ़ के संतुष्ट हो जाते। अंदर समझ में कितनी गहरी शिक्षा है, ये जो रटने वाली आदतें हैं इससे धर्म कभी नहीं मिलेगा, ये जो संस्कार वंस्कार है इनसे तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बढ़िया चल सकती है, इनसे तुम्हारा सिस्टम बढ़िया चल सकता है, तुम्हारी पीढ़ियाँ सही चल सकती हैं, आलू प्याज नहीं खाएंगी, अन्य मतों में नहीं जाएंगी, मंदिर, ये सब हो सकता है, लेकिन इनमें किसी को आत्मा नहीं मिलेगी। हाँ, और तुम्हें इन बातों से संतुष्ट होना हो कि जैन समाज रात्रि में नहीं खाता, बाजार में नहीं खाता, हमारे बच्चे घर का ही खाते हैं, हमारे बच्चे रात्रि में नहीं खाते, हमारे बच्चे रोज मंदिर जाते हैं, हमारे बच्चे रोज पूजा करते हैं, हमारे बच्चे, तो वो एक अलग मैटर है, वो शिक्षा है, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। मैंने पहले ही कहा ना, बाहर की शिक्षा किसी भी रूप में दी जा सकती है, किसी भी क्रिया की शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे की भी और बुरे की भी, चोरी करना भी सिखाया जाता है कि चोरी कैसे की जा सके, उसकी भी शिक्षा है, और इंजीनियर कैसे बनाता है उसकी भी शिक्षा होती है, डॉक्टर कैसे बनना उसकी, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे करना है ये कोई शिक्षा पर डिपेंड नहीं करता। हम तुम्हें कितनी समझाएं, ऐसा करने जाके करके आओ, करके आ सकते हो भाई, वो तो स्वयं का प्रयोग है,